शराब के नशे में धुत होकर आदमियों को तो कई बार हवालात की हवा खाते हुए आपने अक्सर देखा होगा, लेकिन जब एक महिला शराब पीकर सार्वजनिक स्थानों पर हुड़दंग मचाने पर हवालात पहुंची हो, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। ऐसा ही एक मामला जलाजी थाने में पेश आया, जब शराब के नशे में धुत होकर हुड़दंग मचाने के आरोप में पुलिस द्वारा एक महिला को गिरफ्तार किया गया। शराब के नशे में धुत होकर आदमियों को तो कई बार हवालात की हवा खाते हुए आपने अक्सर देखा होगा, लेकिन जब एक महिला शराब पीकर सार्वजनिक स्थानों पर हुड़दंग मचाने पर हवालात पहुंची हो, तो ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है। ऐसा ही एक वाक्य ज्वालाजी थाने में पेश आया है, जब शराब के नशे में धुत होकर हुड़दंग मचाने के आरोप में पुलिस द्वारा एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। महिला द्वारा शराब पी गई है, इसकी पुष्टि उसका मेडिकल करवाने के बाद हुई है। ज्वालाजी अस्पताल के BMO डॉक्टर सतेंद्र वर्मा ने कहा कि पुलिस द्वारा जो महिला अस्पताल में मेडिकल के लिए लाई गई थी, उसने शराब पी हुई थी। दरअसल गुम्हर पंचायत के क्षेत्र की रहने वाली एक महिला बस स्टैंड ज्वालामुखी व ज्वालाजी बाजार के साथ लगती हनुमान गली में हुड़दंग मचा रही थी, जिसकी शिकायत लोगों द्वारा नजदीकी थाने में की गई। सूचना मिलते ही अतिरिक्त थाना प्रभारी विजय के नेतृत्व में महिला पुलिस कर्मचारी सहित अन्य पुलिस कर्मी जब मौके पर पहुंचकर महिला को समझाने का प्रयास करने लगे, तो वह उल्टा उनके साथ उलझ पड़ी। इस बीच पुलिस को महिला द्वारा शराब पीने की आशंका लगी, तो उन्होंने उसका ज्वालाजी अस्पताल में मेडिकल करवाया गया व उसके बाद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। DSP तिलकराज ने मामले की पुष्टि की है। जानकारी के अनुसार महिला पहले से ही शराब की आदी है और कई बार घर में भी हो हल्ला करती रहती है। वही जब महिला को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, तो वहाँ भी हुड़दंग मचाने से पीछे नहीं हटी और पूरा दिन अनाप शनाप बयानबाजी करती रही। बहरहाल पुलिस ने धारा 114 के तहत मामला दर्ज कर उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई है। थाना प्रभारी पुरुषोत्तम धीमान ने बताया कि हमें शिकायत मिली थी कि एक महिला शराब पीकर हुड़दंग मचा रही थी, इस पर कार्रवाई करते हुए पहले महिला का मेडिकल करवाया गया व बाद में उसे गिरफ्तार किया गया। कल हमें एक मैटर रिपोर्ट होता जिसमें एक महिला शराब पी के हनुमान गली में हुड़दंग मचा रही थी, जिसमें ऐसे विजय वहाँ पर मौके पर गए थे। उसके खिलाफ हमने 114 पुलिस एक्ट में कार्रवाई की।